ये बिहारी सूरन की चटनी एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो नेक्स्ट टाइम से आप सूरन हमेशा ऐसे ही बनाओगे। सबसे पहले लहसुन में जीरा और कलौंजी को नमक के साथ अच्छे से कूट लेना है, फिर उसमें बॉईल किया हुआ सूरन साथ में धनिया, राय का तेल और नींबू को डालकर अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेना है और फिर ये रेडी है सर्व करने के लिए। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।